हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इट सीम्स टू बी एन इजी वन, आसान लगता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स, पीपल ऑफन मेक मिस्टेक्स इन इट। कॉन्सेप्ट जो है ये तीन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, सो टू एंड वेरी, इनके यूसेज और डिफरेंस को समझना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि तीनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके यूसेज इनके डिफरेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्लोजर सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर के क्वेश्चंस में भी आपको इन पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट रियली कंफ्यूजेस, ये कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है और वो गलतियां भी कर बैठते हैं। हमारी कोशिश है कि आज के बाद इन वर्ड्स से, यूजेस से रिलेटेड या इनके डिफरेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने तो हम उसको सही करें, हमसे उसमें गलतियां ना हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने की इन तीनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को, वेरी, सो एंड टू। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये तीनों ही एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं जिनका यूज हम एडजेक्टिव्स की, वर्ब्स की या किसी दूसरे एडवर्ब की डिग्री, इंटेंसिटी, रेंज को रेफर करने के लिए करते हैं। इनमें से जो वेरी है, इस एडवर्ब ऑफ डिग्री का हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस सम डिग्री विच इज न्यू। इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसी डिग्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने लिसनर या रीडर को जो कि नई हो, जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बेसिकली इसका यूज किया जाता है मोर देन एवरेज, एवरेज से ज्यादा अगर कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, उसकी इंटेंसिटी जो है या उसकी जो डिग्री है, उसकी जो रेंज है, वो जो एवरेज एक अंडरस्टूड होती है उससे ज्यादा है, तो उसको एम्फेसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज कोल्ड, ठीक है, अंडरस्टूड हाउ मच कोल्ड, जैसा होता है कोल्ड वैसा, बट इट इज वेरी कोल्ड, नाउ वी आर एम्फेसाइजिंग द डिग्री, कोल्ड होने की डिग्री को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो वेरी बेसिकली एम्फेसाइज करता है कि जो एवरेज एक अंडरस्टूड डिग्री होती है ये उससे ज्यादा है, हाई है, तो एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं। और ऐसी डिग्री को और ऐसी इंफॉर्मेशन को ये इंट्रोड्यूस करता है जो हमारे रीडर के लिए या लिसनर के लिए न्यू होती है, और वो हम उसको इंट्रोड्यूस करके बताते हैं, उसको पहले से ऐसा नहीं पता होता। मैं भी एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये बातें सारी बहुत क्लियर कर दूंगा, कुछ हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले ये समझना है, उसके बाद में आ जाते हैं सो। सो जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका यूज हम करते हैं टू रेफर बैक टू सम डिग्री विच इज ऑलरेडी नोन। इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसी डिग्री को रेफर करने के लिए, मतलब जिसको रेफर बैक किया जा रहा है, मतलब वो पहले से डिग्री अंडरस्टूड है, पहले से हमारा रीडर या हमारा लिसनर उसको जानता है और हम अब उसको रेफर बैक कर रहे हैं, मतलब हम उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी नोन और अंडरस्टूड, वो पहले से ही नोन है, अंडरस्टूड है, नाउ वी आर रेफरिंग बैक, हम उसको रेफर बैक कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है। तो उसके लिए हम सो का यूज करते हैं। टू का यूज हम करते हैं बेसिकली तब जब हमें रेफर करना हो टू रेफर टू सम डिग्री विच हैज नेगेटिव इंप्लीकेशन। अगर हमें कभी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की ऐसी डिग्री को रेफर करना हो जिसका कोई नेगेटिव इंप्लीकेशन हो, कोई नेगेटिव रिजल्ट हो, कॉन्सिक्वेंस हो, तो वहां पर फिर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पर कोई नेगेटिव आउटकम या कोई नेगेटिव इंप्लीकेशन अंडरस्टूड हो या एक्सप्रेस हो, वहां पर हम टू का यूज करते हैं। अगर हमें किसी ऐसी डिग्री को रेफर करना है जो ऑलरेडी पहले से ही नोन या अंडरस्टूड है, अब हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेफर बैक कर रहे हैं, तो वहां पे हम सो यूज करते हैं।
और अगर हमें किसी डिग्री को इंट्रोड्यूस करना है फर्स्ट टाइम अपने लिसनर या रीडर को एंड विच इज न्यू, तो हम वहां पर वेरी का यूज करते हैं। अब इन बातों को ना हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इज डैश वाइज, ही इज नॉट डैश वाइज, ही इज डैश वाइज टू मेक सच मिस्टेक्स। नाउ दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, ये यहां पर तीन क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ब्लैंक फिल करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये जो वाइज वर्ड हमने यूज किया ये एडजेक्टिव होता है और हम जो वर्ड ब्लैंक में लिखेंगे वो ब्लैंक में यूज होने वाला वर्ड जो है वो इसी एडजेक्टिव की डिग्री को रेफर कर रहा होगा। हाउ मच वाइज, हाउ मच वाइज, तो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करेंगे। अब ही इज डैश वाइज अगर हम सेंटेंस केवल इतना लिख दें, तो आपने सुना होगा पीपल इन स्पोकन, अक्सर क्या होता है स्पोकन में लोग अपना सो या टू या वेरी कोई भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो एक अलग अप्रोच होती है लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज को डील करने की वो एक अलग अप्रोच होती है। जब आप स्पोकन के लिए इंग्लिश डील कर रहे होते हैं तो वहां पर अप्रोच अलग होती है, लैंग्वेज को समझने और उस पर अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको अपीयर करना है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपको अगर उनको सही करना है, ठीक, तो उसके लिए जो आपकी अप्रोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूजर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूजर्स हैं वो हमेशा फॉलो नहीं होते हैं या लोग उनको नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिक पर्पस ग्रामेटिकली या लॉजिकली करेक्ट होना नहीं होता है, वहां पे बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपने कहा, दूसरे ने समझ लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। आपने ग्रामेटिकली सही स्ट्रक्चर यूज किया, आपका सिंटैक्स सही था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही था, आपका पंक्चुएशन सही था, इट डजंट मैटर देयर, ठीक है। बट जब आप कॉम्पिटिशन के लिए इंग्लिश की तैयारी करते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे स्पोकन उतना बेनिफिशियल नहीं रहता, स्पोकन की जो अप्रोच होती है वो गलतियां करवाती है, ठीक। तो आपको जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूजर्स हैं फंडामेंटल्स की मदद से उनको सीखना चाहिए और वो अप्रोच आपको वहां पे फॉलो करनी चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो यहां पर हम देखें ही इज डैश वाइज, अब ये जो सेंटेंस है केवल इतना है, इसमें पहले से ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है कि किसी डिग्री की बात हो रही होगी जिसे हम रेफर कर रहे होंगे, और यहाँ पे कोई नेगेटिव आउटकम भी नहीं दे रखा है, कोई नेगेटिव आउटकम ना अंडरस्टूड है और ना ही एक्सप्रेस्ड है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे वेरी, ही इज वेरी वाइज, मतलब वी आर स्टेटिंग इट, हम ये किसी के बारे में बता रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग, हम इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस डिग्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ही इज वाइज एंड ही इज वेरी वाइज। तो जब हम किसी के बारे में, किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में अपना एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पे हमें वेरी का यूज करना चाहिए। फिर हमने लिखा ही इज नॉट डैश वाइज, अब ये जो ब्लैंक है इसमें हम वेरी भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं। सपोज समवन सेज दिस, ही इज वेरी वाइज, और अब मैं उसके उस बात को लेकर एग्री नहीं करता हूं तो मैं उसको काउंटर कर रहा हूं, ही इज नॉट वेरी वाइज, एक्चुअली ही इज वाइज बट नॉट वेरी। तो यहां पर हम वेरी भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसा समझिए, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव हमेशा ही रेस्पॉन्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो हमेशा ही रेस्पॉन्स होते हैं। डिफॉल्ट पोलैरिटी किसी भी सेंटेंस की है वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव उसको बनाया जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाया जाता, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया जाता है। तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है ही इज नॉट डैश वाइज, ठीक, तो इसका मतलब है पहले कोई बात हो चुकी होगी कि वो वाइज है या नहीं है, इतना वाइज है उतना वाइज है, ऐसा कुछ पहले डिस्कशन हो चुका होगा, और अब उस डिस्कशन को काउंटर करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उसकी अदर साइड को रेफर करने के लिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है। तो यहां पर हम ये मान के चल सकते हैं, यहां पर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि देयर इज सम डिग्री ऑलरेडी रेफर्ड टू, मतलब पहले से वो डिग्री अंडरस्टूड है, नोन है, हम उसको काउंटर करने के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट लेकर आए, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट को फॉलो करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव को फॉलो करे ऐसा नहीं। तो यहां पर हम सो भी यूज कर सकते हैं, वेरी भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है, बट हम सो भी यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट सो वाइज, ही इज नॉट सो वाइज का मतलब वो इतना वाइज नहीं है,
कितना वाइज, जितना आपने उसके बारे में बता दिया या जितना आपने उसके बारे में कह दिया या जितना आप उसको मानते हो, ही इज नॉट सो वाइज, इतना। तो जब हम यहाँ पे सो यूज करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हमारा जो लिसनर है जो इस बात को सुनेगा उसको ये पता चल गया कि हाउ मच। तो सो इज रेफरिंग टू अ डिग्री विच इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर, क्योंकि लिसनर ने ही वो बात शुरू की होगी, अब हम उसको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने लिखा हिज डैश वाइज टू मेक सच मिस्टेक्स। अब वाइज कौन होता है, जो गलतियां करे या नहीं करे, ये तो सबको पता है। तो हमें पता है कि वाइज वो पर्सन होता है जो गलतियां नहीं करे, जो गलतियां करे उसको वाइज नहीं कहा जाता। तो अगर हम यहाँ पे वाइज लिख रहे हैं और एक हमने इन्फिनिटिव फ्रेज लिखी है उसके इम्प्लीकेशन को रेफर करने के लिए टू मेक सच मिस्टेक्स, तो हमें पता है ये अंडरस्टूड इम्प्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन वाइज है तो वो गलतियां नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या, एक्सप्रेस है एक्चुअली, सेंटेंस में ही लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन पहले से ही मेंशन है तो हम टू यूज करेंगे। तो हम टू का यूज करते हैं बेसिकली उन कॉन्टेक्स्ट में ही जहां पर कोई एक नेगेटिव आउटकम अंडरस्टूड या एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है। अगर हम किसी ऐसी डिग्री को रेफर बैक करें जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पहले से ही हमारे स्पीकर लिसनर को या रीडर को पता है, ठीक है, तो हम सो यूज करते हैं। और जब हम किसी के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं डिग्री का, तो हम वेरी का यूज करते हैं, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात पे ध्यान रखना है स्पेशली, कि अगर हम ही इज डैश वाइज लिख रहे हैं तो हमें वेरी यूज करना चाहिए, सो अवॉइड करना चाहिए, टू भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सो और टू हमेशा विद रेफरेंस यूज होते हैं। सो जब आप यूज करते हो तो वो हमेशा उस डिग्री को रेफर करता है जो पहले से मेंशन है। यहां पे देखिए ऐसे, ये जो हमने बेसिक पढ़ा था, यहां पर वर्ब हमने यूज किया टू रेफर, यहां पर यूज किया टू रेफर बैक, दोनों में रेफर है। यहां पर हमने यूज किया इंट्रोड्यूस, तो वेरी का यूज किया जाता है डिग्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पहले से उसके बारे में नहीं पता है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो और टू का यूज किया जाता है हमेशा डिग्री को रेफर करने के लिए, नेगेटिव आउटकम अंडरस्टूड है तो ऐसी डिग्री को रेफर करने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर अगर पहले से मेंशन डिग्री तो हम सो का यूज करते हैं। तो बेसिकली सो और टू का यूज हमेशा विद रेफरेंस ही किया जाता है, पहले से कोई रेफरेंस होना चाहिए, और अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो फिर हमें वहां पे टू या सो को अवॉइड करना चाहिए, वेरी का यूज करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे था। फिर रह जाती है बात की अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है और हमने वेरी यूज कर दिया है, तो फिर इस सेंटेंस में हमने सो क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स होते हैं, तो अगर ये रिस्पॉन्स है तो हमें मान के चल सकते हैं कि ये जिस डिग्री को रिस्पॉन्ड करने के लिए लिखा गया वो डिग्री पहले डिस्कस हो चुकी होगी इससे पहले के स्टेटमेंट में, क्योंकि ये हमेशा रिस्पॉन्स है तो इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा जरूर होगा जिसकी वजह से ये नेगेटिव हमें बाद में यूज करना पड़ा। नेगेटिव पोलैरिटी कभी भी डिफॉल्ट नहीं होती, डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। और यहाँ पे तो नेगेटिव इंप्लीकेशन अंडरस्टूड ही था तो हमने इसलिए टू लिख दिया, क्योंकि हमें पता है जो वाइज लोग होते हैं वो गलतियां नहीं करते हैं इसीलिए वो वाइज होते हैं, तो हमने टू लिख दिया, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, आप उनसे समझिए। ऐसे जैसे यहां पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हो गया ए, ये क्वेश्चन हो गया बी, और ये क्वेश्चन हो गया सी, ए बी सी, ठीक है। और हमें इन तीनों क्वेश्चंस में सो टू एंड वेरी का यूज करना है। अब हमें सेंटेंस पढ़कर समझना है और ये डिसाइड करना है कि विच एडवर्ब ऑफ डिग्री शुड बी यूज। ओके, वाई इज योर ब्रदर डैश एंग्री विद हिज फ्रेंड, तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे दोस्त से नाराज क्यों है। तो अब जिसको हम ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, किसी ने हमसे पूछा है, अब हम उसे बताएंगे। तो अगर कोई पर्सन हमसे ये पूछ रहा है कि वो नाराज क्यों है, तो फिर उसे ये भी पता होगा कितना नाराज, ठीक है, तभी उसको पता चला कि नाराज है। तो वो डिग्री जिसको लेकर अब मैं आंसर दूंगा या जिसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑलरेडी विजिबल है, जो हमसे पूछ रहा है उसे पता है कि नाराज है और वो अब ये जानना चाह रहा है क्यों नाराज है, मतलब डिग्री उसमें इंटरेस्ट नहीं रही है, अब डिग्री तो अंडरस्टूड है, नोन है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया रीजन कि नाराज है लेकिन इतना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना वाई है, डिग्री नहीं है, डिग्री इज अंडरस्टूड, वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करनी, द पर्सन नोज, वो पर्सन जानता है, ठीक है। तो अगर जानता है और ऐसी डिग्री को रेफर करना है तो इसमें सो आगे। नेक्स्ट देखिए, My brother sometimes get dash angry at small things. अब कोई पर्सन है अपने लिसनर को ये बता रहा है कि उसका भाई छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो लिसनर है उसे नहीं पता होगा कि नाराज होता है या नहीं होता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कितना नाराज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस डिग्री को नाराज होने की, ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा, ठीक। तो अब हम लिख देंगे वेरी। तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी स्टेटमेंट को, ठीक है, तब तो आप वेरी का ही यूज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, He won't listen to anyone. He is dash angry.
हमने किसी पर्सन के बारे में कहा कि ही वोंट लिसन टू एनीवन, वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा, मतलब किसी की बात ना सुनेगा ना मानेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्यों नहीं किसी की भी सुनेगा? ही इज दैट एंग्री, ज्यादा नाराज है, मतलब इतना ज्यादा नाराज है कि पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनेगा, दोस्तों की भी बात नहीं सुनेगा, टीचर की भी बात नहीं सुनेगा। सो ये नेगेटिव इंप्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है, ठीक। तो हमने पढ़ा कि अगर कभी किसी डिग्री का कोई नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव इंप्लीकेशन अंडरस्टूड एक्सप्रेस हो, तो वहां पे आप हमेशा टू का यूज कीजिए। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा टू, ही इज टू एंग्री, ही इज टू एंग्री टू लिसन टू एनीवन, तो इतना नाराज है वो किसी की नहीं सुनेगा। It is bad that they had to leave dash early. It is dash early to predict the outcome of the match. And father has taken to waking up dash early. Question A, question B, and question C. इनमें भी हमें blanks fill करने हैं. Option फिर से वही है. So to vary. अब देखिए, it is bad that they had to leave dash early. अब हम कह रहे हैं ये मतलब गलत था. क्या गलत था? कि वो जल्दी चले गए. तो अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गलत था, ठीक है। और क्या गलत था? जल्दी जाना। तो हम ये मान के ही चलेंगे कि जिसको हम ये बात बता रहे हैं उसको कितना जल्दी गए ये ऑलरेडी पता होगा। अब वो इतना जल्दी जाना उनका अच्छा था या बुरा था, इसका डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे डिग्री को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, उनका जाना उतनी जल्दी अच्छा था या बुरा था इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो मतलब डिग्री इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, डिग्री को यहाँ पे अंडरस्टूड या नोन समझा जा रहा है, और उसको किनारे कर अब इस बात पर डिस्कशन चल रहा है कि वो अच्छा था या बुरा था। तो ऐसे केस में जब आपकी डिग्री अंडरस्टूड हो और आप ये मान के चल रहे हो कि आपका लिसनर जानता है, ठीक है, तो आप वहां पे सो यूज कीजिए। तो यहां पर आ जाएगा सो, इट इज बैड दैट दे हैड टू लीव सो अर्ली, मतलब ये गलत था कि उनको इतना जल्दी जाना पड़ गया, ठीक है। कितना जल्दी वो हमारा लिसनर जानता होगा, तभी हम अच्छे बुरे की बात कर पा रहे हैं। इट इज डैश अर्ली टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द मैच, अब कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, अभी फर्स्ट इनिंग्स ही चल रही हो, किसी ने पूछा भाई किसी से कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। तो अभी जो समय है, अभी मतलब इतनी जल्दी मैच का रिजल्ट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मैच में किसी भी टाइम कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द मैच, ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन है कि मतलब अभी इतना टाइम नहीं हुआ मैच को चलते हुए कि अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि ये प्रिडिक्शन देना, तो ये नेगेटिव आउटकम अंडरस्टूड है। अगर ये नेगेटिव आउटकम अंडरस्टूड है तो हम टू यूज कर लेंगे, इट इज टू अर्ली। तो इसका मतलब जाएगा इट इज सो अर्ली दैट आई कैन नॉट और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द मैच। फिर हमने लिखा फादर हैज टेकन टू वेकिंग अप डैश अर्ली, टेकन टू का मतलब मेक अ हैबिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की आदत डाल लेना, ठीक। तो पिताजी की आदत पड़ गई किस चीज की, जल्दी उठने की। तो ऑब्वियसली बात ये बात बताई जा रही होगी, अब ऐसा तो है नहीं। देखिए मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा हाउ big, how big is that animal, ठीक है, कि वो एनिमल कितना बड़ा है। मान लीजिए किसी ने कोई एनिमल देखा और हमें बता रहा है कि भाई हमने एक बहुत बड़ा एनिमल देखा, ठीक है। तो हमने पूछा हाउ बिग इज दैट एनिमल, तो उसने कहते हैं ही इज या इट इज डैश बिग, इट इज डैश बिग। तो अब हमें ये ब्लैंक फिल करना है, तो टू तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव इंप्लीकेशन अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सो या वेरी में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं सो एंड वेरी, इस पे ध्यान देना है। सो एंड वेरी हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान देना। इट इज वेरी बिग, बहुत बड़ा जानवर था, ठीक है। तो मतलब ये इंट्रोडक्शन हमने अपनी तरफ से दे दिया, एम्फेसिस कर दिया कि साइज ज्यादा था उसका, एनिमल बड़ा था और ज्यादा ही बड़ा था, मतलब जितना आप सोच रहे हो कहीं उससे ज्यादा ही Emphasis हो गया। So big हम कब कह सकते हैं, जब हम उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो, इट वॉज सो बिग, इतना बड़ा था, मतलब अगर आप एक्चुअल में उसको मतलब डिग्री को सामने रख पा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो लिसनर है वो समझ जाए कि हाँ भाई आप बिग का मतलब इतना बड़ा कह रहे हो, इतना बड़ा कह रहे हो, इतना बड़ा कह रहे हो, तो वो समझ जाए, तो आप उस केस में सो भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप मतलब जेस्चर्स की मदद से ये समझा रहे हो साइज को, तब आप सो लिख सकते हो, इट वॉज सो बिग, इतना बड़ा था, ठीक है। अदरवाइज आपको वेरी यूज करना पड़ेगा, इट वॉज वेरी बिग, बहुत बड़ा था, बस समझ जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में हम सो यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे लिसनर को डिग्री पता हो, नो नो अंडरस्टूड एटलीस्ट, ठीक है। अब हमने लिखा फादर हैज टेकन टू वेकिंग अप डैश अर्ली, तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिस पर्सन को बात बताई जा रही होगी वो ऐसा नहीं है पिताजी के जगने के समय वहीं पर बैठा होगा, ठीक है। और अगर वो वहां पर बैठे होगा तो आप ये बताओगे क्यों, वो तो खुद ही जान जाएगा कि पिताजी जल्दी जगे, ठीक।
तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, किसी ऐसे पर्सन को ये बात बताई कही जा रही होगी जो इस बात को नहीं जानता होगा, पिताजी जल्दी उठते हैं या बहुत जल्दी उठते हैं या देर में उठते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिग्री है ना, तो यहाँ पे आप यूज कीजिए वेरी। सो व्हेन यू आर रेफर टू अ डिग्री यू यूज सो और टू, बट व्हेन यू इंट्रोड्यूस सम डिग्री देन यू यूज वेरी, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज गिव मी सम फूड आई एम डैश हंग्री, आई वुड नेवर अप्रूव दिस प्लान इट इज डैश डेंजरस, If you ever get this late again, we shall fine you. तो ये जो तीन examples हैं, ये मैं आपके लिए ना homework छोड़ रहा हूँ। ये आपके लिए homework है। You have to attempt these questions and you simply just comment your answers in the comment box, ठीक है? तो आप ये तीनों questions खुद attempt कीजिए। So, two and very. These are the three adverbs that you have to use. और जब आप use कर लोगे, तो इनको आंसर कर देना। तो जस्ट वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जान जाऊंगा कि आपने पूरा लेक्चर देखा, आपको बात समझ में आई, और समझने के बाद में आपके आंसर से पता चल जाएगा कि कितनी समझ में आई, ठीक है। और उसके बाद में अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। और कैसा लगा वीडियो वगैरह, मन हो तो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा किस तरीके का कॉन्सेप्ट था। एंड ये कॉन्सेप्ट मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश किया कि दो तीन पार्ट्स में आपके साथ में डिस्कस कर लूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का, एक तरीके से हमने इनका भी इंट्रोडक्शन दिया है तीनों वर्ड्स का, इस पर भी बेस्ड जितना आज हमने डिस्कस किया अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम जल्दी ही इन्हीं तीनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पे बेस्ड नेक्स्ट मतलब एटलीस्ट वी विल प्रोवाइड यू टू मोर वीडियोस ऑन द यूजेस ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। और कैसा लगा, कैसा रहेगा ये प्लान, ये भी बता दीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना कंपलसरी है। अगर आपने वीडियो देखा है यहाँ तक, तो आपको इस इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट करना ही है, ठीक है। चलिए, और बाकी इसी तरीके से इंग्लिश को सीखते रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।